हे गाइस वेलकम माय यूट्यूब चैनल आर एन सिक्स टैग। तो हम यहाँ कर रहे हैं वाइट वॉश का काम। अभी देख लो, ये कम से कम 120 साल पुराना घर होगा। अब इसमें पेंट का काम चल रहा है वाइट वॉश का। सारे में अपनी सिंगल सिंगल पुट्टी खींच दी हमने चारों तरफ सारे है। ये अभी पिलर बने ही है, मोमटी की हालत देख लो, सब रिपेयरिंग करी हुई है इसमें सब में। आपको साइड से गाली तरफ पुट्टी करनी है, ये सब प्लस्तर व्लस्तर करवा रखा है इन्होंने। तो इधर पुट्टी खींचनी है, सारा उधड़ा पड़ा दिख रहा हो आपको। ये बहुत पुराना घर है, ये बहुत इसमें रिपेयरिंग ज़्यादा करी हुई हो रखी है। सब पुट्टी वुट्टी वाटर प्रूफ पुट्टी खिंचवा के फिर इसमें एक कोट अपेक्स का मार देंगे, सिर्फ एक कोट अपेक्स का छोड़ देंगे। तीनों साइड पुट्टी करनी है इसमें वाटर प्रूफ। दो कोट पुट्टी करने के बाद एक कोट रेगमल मार के अपेक्स मरवा देंगे छुट्टी। ठीक है भाई, सेम यही चीज़ करनी है इधर भी, और सेम उस तरफ है। इस तरफ काम बहुत चल रहे हैं। ठीक है, इतना तो थोड़ा सा ही है, बाकी उस तरफ है थोड़ी सी बाउंड्री। 130 गज का है ये, अंदर अपने ही लगे हुए हैं, छत कर रहे हैं लड़के। 130 गज का एरिया है ये, 130 ही गज है ये पूरा टोटल। इसमें हमने सामने पीओपी करी है। ठीक है, वो अंकल जी है, उनका प्लॉट है वो सामने वाला। ठीक है, ये देख लो बहुत पुराना है, ये टुकड़ी वुकड़ी पड़ी हुई है, पुट्टी वुट्टी खैज रखी है, पुट्टी में इतनी फिनिशिंग भी नहीं है, बिल्कुल फिनिशिंग नहीं है, दिख रहा होगा आप लोगों को। अपना चैनल है ये देखो, आर एन सिक्स टैग के नाम से। ठीक है, यूट्यूब पे सारी वीडियो पड़ी हुई है अपनी। ठीक है, ये अपना चैनल का लोगो। ये आ गया अपना चैनल। ठीक है, सारी वीडियो हैं अपने पास, टोटल काफ़ी वीडियो हैं, आप जाके देख सकते हो। ठीक है भाई, देख आर एन सिक्स टैग। अभी गेट खोलने के बाद फिर आपको अंदर दिखाते हैं। ऐसे देख लो, यहाँ होगी छत पूरी सिंगल कोटिंग। ये गलत कर दिया पूरा सिस्टम है इनसे, आने जाने का रास्ता ही नहीं है इधर आने के लिए। इसी दिन यहाँ ख़त्म हो जाते तो यहाँ पे खिड़की लग जाती आने के लिए, सामान वहाँ रखने के लिए स्टोर सा बना हुआ है। आना बिल्कुल बंद कर दिया, आने का रास्ता ही नहीं है। ये देखो, इसकी दरवाज़ा ये भरी ही नहीं है, हमें भरनी पड़ेगी अभी ये पुट्टी से। आपको पूरा दिखा देते हैं, देखो अब यहाँ पे कोट डालेंगे, हमने अंदर कोट डाल दिया तो देखो दिख रहा कलर हल्का का। यहाँ पे सब छत में कोट डाल देंगे पूरी में सिंगल कोट, पहले छत फाइनल करेंगे फिर दीवार करेंगे। ठीक है, यहाँ के पहले चौक का पूरा कलर करेंगे एक कोट। हमने दो पुट्टी कर रखी है, अब एक छत पर दो कोट मारेंगे और दीवार पर भी दो मारेंगे। ये कमरे का थोड़ा हल्का कलर है, इसको थोड़ा गहरा कर देंगे। ठीक है, वाइट वाइट दिख रहा है, फिर उसको पूरा गहरा करेंगे। जो छत वाला कलर है ना वो दीवार पर कर देंगे, छत का थोड़ा चेंज कर देंगे। इनका कलर ठीक है, क्योंकि ये भी बिल्कुल फाइनल हो चुके हैं, सब रेडी हैं बिल्कुल। वीडियो चैनल पे है, सेम चीज़ कर रखे। आप कल परसों करेंगे इस पर खिड़ इनका दरवाजे वगैरह करवा देंगे पेंट, हॉल पूरा क्लियर है सब कुछ। वो अंदर वाले कमरे भी क्लियर पड़े हैं दोनों, ये भी क्लियर पड़े हुए हैं, वो भी सब क्लियर पड़ा हुआ पूरा। किचन हमने कल कर दी थी, उसमें थोड़ी रिपेयर देखी हमने, वो कर दी कोट के बाद। किचन भी फाइनल है, देख लो ये रिपेयर थोड़ी सी कर दी। बाकी ये पेंट इस पर भरता नहीं है, पर भी ओनर ने बोला थोड़ा इस पर कर दे अच्छा लगेगा कलर। तो पट्टे पे जो पीओपी का पट्टा उस पर कलर का यही कोट मार दिया हमने, तो उसको थोड़ा गहरा करना है, ये थोड़ा लाइट रहेगा वो थोड़ा गहरा कर देंगे इसका। ठीक है, तो इसकी छत भी हमने मारी रही थी शायद, इसकी छत पे हमने कोट कर दिया है पूरी छत, वहाँ से वहाँ तक ये कोट मार दे, एक और मार देंगे। देखो ये हमने ही भरा सब कुछ, ये थोड़ा और भर देंगे इसको, उस तरफ खाली रहेगा वो तो भरा नहीं जाएगा क्योंकि ज़्यादा गड्ढा है उस तरफ। ठीक है गाइस, देख लो आप सारा हो चुका है यहाँ का, फिर दरवाजे वगैरह रह गए बाहर की साइड, जब पुट्टी करेंगे वो भी आपको दिखा देंगे। वीडियो पूरी चैनल पे आ जाएगी, तब तक के लिए बाय बाय।